सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच, आपका फ्रेंड, आपका कंपेनियन इंग्लिश में, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फांस डोडे ने। तो गाइस, ये जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर है क्या, किस बारे में है, क्या इसमें हमें देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहां पर हम चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो गाइस, एक कोई भी इंसान जो होता है, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी है हम लोग, ठीक है, हम लोग जहां भी रहते हैं, जिस भी जगह पर रहते हैं, वहां की एक लोकल लैंग्वेज होती है, एक स्थानीय भाषा होती है। तो स्थानीय भाषा जो है हमारे जीवन में हमारे पहचान के तौर पर भी काम करती है। जैसे कोई आदमी है, वो आपसे पहली बार मिला और मिलते ही पंजाबी में आपसे बात करने लगा, तो कहीं ना कहीं आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ भाई, ये पंजाबी आदमी है, या तो पंजाब के रहने वाले हैं, नहीं तो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा जो है उनकी पहचान की तरह काम करेगी। अब जैसे आप मेरी बात करें, तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थानी बोलूँगा, और भाई काय हाल चाल, काय चाल रहे हो आजकल, तो ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो उससे सामने वाला एक सेकंड में पकड़ लेगा, अरे यार ये तो राजस्थान से है, ये राजस्थानी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक लैंग्वेज जो है वो किसी भी इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करती है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि भैया, अगर आपसे आपकी लैंग्वेज छीन ली जाए, अगर आपको ये पता चले कि कल से आप जो भाषा बोलेंगे वो भाषा वो नहीं होगी जो आपकी मातृभाषा है, यानी कि वो भाषा कोई अलग ही भाषा होगी। जैसे मैं एकदम से आप लोगों को बोल दूं, कल से आप लोग केवल इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा नहीं चलेगी, तो ऐसी कंडीशन में आपके मन में किस तरह की फीलिंग्स आएंगी, कैसे जज्बात आएंगे, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी है, ठीक है। और ये टीचर और स्टूडेंट कहाँ के हैं, तो ये टीचर और स्टूडेंट भारत के नहीं है, ये फ्रांस के हैं। तो हुआ क्या कि जब हम इंटरनेशनल हिस्ट्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की ओर देखते हैं, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है 1870 और 71 के बीच में जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में जर्मनी जो है उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि दो जिले जो होते हैं उन पर कब्जा कर लिया था, जिनका नाम था एल्सेस और लॉरेन। तो एल्सेस और लॉरेन जो है वो उनके कब्जे में आ गए थे, उन्होंने उन्हें हत्या लिया था। अब लॉरेंस और एल्सेस जो है, पहले वहां पर फ्रांसीसी भाषा चलती थी, क्योंकि फ्रांस देश है तो फ्रांस देश के निवासी जो है फ्रांसीसी भाषा बोलेंगे, और वह उनकी मातृभाषा भी है। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने वहां पर कब्जा कर लिया उन दो डिस्ट्रिक्ट पर, उन्होंने तुरंत जर्मनी का जो हेडक्वार्टर था, या आप उसे कह सकते हैं वहां का कैपिटल था, वहां की राजधानी थी, बर्लिन थी, तो बर्लिन से उन्होंने आदेश भेजा, उन्होंने ऑर्डर भेजा कि भाई अब से यहां पर जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही ये आदेश वहां पहुंचता है, बस वो आदेश वहां पहुंचा कि भाई अब से भाषा बदल दी गई है, आपको स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उसकी जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, वहीं से हमारे पाठ की शुरुआत हो जाती है। वहां पर हम देखते हैं फ्रेंच नाम के एक स्कूल गोइंग बॉय को, एक छोटे से लड़के को, जो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, और उसके टीचर जो है जिनका नाम है मिस्टर एम हेमिल। तो जब पाठ हमारा शुरू होता है, तब फ्रेंच को ये बात पता नहीं होती है कि हमारी स्कूल में भाषा बदल दी गई है, लेकिन मिस्टर एम हेमिल जो टीचर हैं उन्हें ये बात पता होती है कि भाषा बदली जा चुकी है। बस इसी बैकग्राउंड के साथ में हमारी स्टोरी जो है वो शुरू हो जाती है। तो गाइज, इन दो मेजर कैरेक्टर्स के साथ आप जिसके साथ कनेक्ट करना चाहें उसके साथ कनेक्ट करके इस स्टोरी को जी। चलिए तो देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। तो गाइज, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच जो एक छोटा सा स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल जाने वाला लड़का है, वह घर से स्कूल निकलने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है, उसे देर हो जाती है निकलने के लिए, जैसा कि अक्सर होता ही है स्कूल गोइंग बॉयज़ के साथ। और साथ ही साथ उसे ये भी पता होता है कि आज मिस्टर एम हेमिल यानी कि जो उसके टीचर हैं
वो उससे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पार्टिसिपल्स यानी कि हिंदी में हम कहते हैं कृदंत। तो कृदंतों पर यानी कि फ्रेंच भाषा के जो कृदंत है पार्टिसिपल हैं उन पर प्रश्न किया जाएगा। तो जब उसे ये दोनों बातें पता होती है कि आज मैं निकलने में लेट भी हो रहा हूँ और साथ ही साथ पार्टिसिपल पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा विचार करके वो सोचता है कि चलो फिर आज एक काम करते हैं यार, स्कूल नहीं जाते हैं, बंक कर लेते हैं स्कूल, स्कूल से आज गोत मार लेते हैं, उड़ी मार लेते हैं आज स्कूल से। तो ऐसा सोच करके वो सोचता है बोले यार मैं क्या करूँगा, तो चलो जंगल की तरफ चला जाऊँगा, वहाँ पर खेत देख लूँगा, वहाँ पर सॉ मशीन लगी हुई है, आरा मशीन जिसको बोलते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटी जाती है, वहाँ देख लूँगा, वहाँ टाइम पास कर लूँगा, चिड़ियाएँ जो है वो गुनगुना रही होगी, चहचहा रही होंगी, वहीं पर पीछे खेत हैं जहाँ पर्शियन सोल्जर्स जो हैं, पर्शिया के जो सिपाही हैं वो वहाँ पर अपना युद्धाभ्यास कर रहे होंगे, ड्रिल कर रहे होंगे, तो उन्हें देख लूँगा। यानी कुछ भी टाइम पास करके जो गाँव में टाइम पास हो सकता है वो करके अपना पूरा दिन बिता लूँगा और वापस चुपचाप घर आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी विल थी, विल पावर थी कि मैं इन सारी लुभावनी चीज़ों को छोड़ सकता था और स्कूल जा सकता था। तो गाइज यहाँ पर हमें फ्रेंड्स से सीखने को मिलता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे या जब भी हम ऐसा कोई काम करने जाएंगे जो हमें करना चाहिए, एज हमारी ड्यूटी है उस काम को करना, तो हमारा मन हमें 10 रास्ते ज़रूर दिखाएगा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, फ़ोन चला ले, थोड़ी देर और सो जा, ठीक है, ऐसे सारे ऑप्शन आपका मन आपको देगा। लेकिन हमें फ्रेंड्स की तरह बनना है, हम बिल्कुल भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। और जैसे फ्रेंड्स कहता है कि मेरी विल पावर इतनी है कि मैं सारी टेम्पटिंग थिंग्स जो है यानी मुझे ललचाने वाली जो चीज़ें हैं इन्हें छोड़ करके स्कूल जा सकता हूँ। ऐसा मन में विचार करके वो अपने स्कूल की तरफ तेज़ी से दौड़ना शुरू करता है और बहुत तेज़ दौड़ता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तभी वो अपने गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचता है। वहां पर एक बिलबोर्ड लगा होता है, बिलबोर्ड जैसे कि आप सूचना पट जानते होंगे या इंफॉर्मेशन बोर्ड जानते होंगे, जो स्कूल में नॉर्मली लगा होता है नोटिस बोर्ड, उसी को बिलबोर्ड कहा गया है। तो बिलबोर्ड पे क्या होता है, जैसे आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर बहुत आसान हो गया कि न्यूज़पेपर कोई भी खरीद सकता है, अब तो न्यूज़पेपर की भी जरूरत नहीं है, प्रिंट मीडिया तो अब पुराना हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई भी न्यूज़ देखनी है, कोई भी समाचार सुनना है, सीधा फ़ोन निकाला, समाचार देख लो, समाचार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था, उस समय में कोई भी सूचना अगर आती थी तो सभी गांव वालों तक उस सूचना को पहुंचाने के लिए, उस सूचना से संबंधित जो भी ड्राफ्ट होता था, जो भी आदेश होता था, या न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती थी तो उसे बिलबोर्ड पे लगा दिया जाता था, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता था, ताकि सभी लोग उसे आराम से देख सके, पढ़ सके और सभी तक वो जानकारी पहुंच जाए। तो वह भी जब दौड़कर वहां तक पहुंचता है तो मुड़ करके देखता है, अरे यार आज फिर भीड़ लगी हुई है बिलबोर्ड के सामने। और जब भी ऐसा माहौल बनता है तो उसे हमेशा ये लगता है कि जब से पिछले 2 सालों से युद्ध चल रहा है, जितनी भी बुरी खबरें आई है वो सब इसी जगह से आती है, यानी कि इस बिलबोर्ड से ही हमारी सारी बैड न्यूज़ हमें मिलती है। ऐसा सोच करके कुछ क्षण के लिए सोचता है कि अब क्या बात हुई होगी, पता नहीं क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ना इसे अभी तक कुछ नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो मन में सोचता है। लेकिन स्कूल पहुँचने में देरी हो रही है, स्कूल जाना है उसे जल्दी से, तो वापस आगे की तरफ दौड़ता है। वहीं पर वॉचर नाम का एक लोहार होता है जो अपने एक साथी के साथ खड़ा होता है जो उसके पास ट्रेनिंग ले रहा होता है ना, इंग्लिश में हम इसे अप्रेंटिस कहते हैं, प्रशिक्षु कहते हैं हिंदी के अंदर, यानी कि कोई किसी कार्य को करने में कोई नौसिखिया आदमी या फिर वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करने की ट्रेनिंग ले रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर वॉचर जो है वो आवाज़ लगा करके कहता है कि इतना तेज़ मत दौड़ो, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए। ये सुनकर के फ्रेंड्स जो है एक क्षण के लिए कुछ सोचता है कि शायद हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहा है कि तुम टाइम पे क्यों नहीं निकले स्कूल के लिए, और बस इतना सा सोच करके कोई रिप्लाई नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं देता और सीधा दौड़ करके अपने स्कूल की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल के बाहर यानी कि जहाँ पर मिस्टर एम हेमिल का घर है वहाँ बाहर एक गार्डन है, उस गार्डन के वहाँ जब वो पहुँचता है दौड़ करके, तब वहाँ जाकर रुकता है, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ हो चुका है, यानी उसकी सांस फूलने लग गई, अब उसे अंदर उसके सांस नहीं रही है, तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है और सांस लेता है वहाँ पर, कैच अ ब्रीथ, थोड़ी सी सांस वहाँ ले करके, और तुरंत वह अपने स्कूल की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही अपने स्कूल की ओर ध्यान देता है उसे पता चलता है कि आज बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग क्यों कहता है वह यहाँ पे, क्योंकि संडे को ना टीचर्स होते हैं ना
स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शांति बनी रहती है। और बाकी आम दिन में क्या होता है, जब स्कूल के शुरू होने का समय हो रहा होता है तब टीचर्स के डांटने की आवाज़, बच्चे जो है उनके यूनिसन में मतलब एक समूह में या एक स्वर में ABCD गाते हैं बच्चे, या फिर कविताएँ गाते हैं, टेबल्स को सरकाने की आवाज़, बच्चों के हंसने की आवाज़, ये सारी की सारी आवाज़ें बहुत ही कॉमन है किसी स्कूल के लिए। लेकिन उस दिन स्कूल बिल्कुल शांत था, तो और ज़्यादा डर जाता है। अब उसे याद आता है कि भैया अभी MML साहब के सामने जाऊँगा, टीचर साहब के सामने, और वो तो बहुत डांटने वाले हैं। ये सोच करके वो धीरे धीरे जाता है और खिड़की से पहले झांक करके देखता है। आप और हम भी यही करते हैं भाई, सबसे पहले तो झांक करके सब जगह देख लेते हैं कि भाई कोई हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब या कोई हमारे PTI साहब या कोई खूंखार टीचर तो नहीं है जो मारने पीटने में यानी हिंसा में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हों कि नहीं भाई बच्चों के साथ हिंसा करनी ही चाहिए। तो वो बड़ा झांकता और देखता हुआ जाता है कि कोई है तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। अंदर जा करके वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, और मिस्टर MML के सामने बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत जुटा करके, डरावा तो बेचारा वैसे ही है और MML साहब थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के हैं, बड़ी मुश्किल से गेट खोल करके धीरे से उनके सामने जाता है घबराता हुआ सा। तभी मिस्टर MML उसे कहते हैं, अरे लिटिल फ्रेंड्स तुम आ गए क्या, अरे आ जाओ जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी बैठो, अरे हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। ऐसा सुन करके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, तुरंत भाग के जाता है अपनी जो टेबल है उसके ऊपर से कूदता हुआ और पीछे जाकर के अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। वहाँ जाकर बैठने पर जब थोड़ा सा शांत होता है, उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो भाई ठीक है, स्कूल पहुँच गए, डांट भी नहीं पड़ी, मार भी नहीं पड़ी, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल गुड। तब वो एक दो चीज़ों पर बड़ा नोटिस करता है। सबसे पहली चीज़ जो वो देखता है वो ये देखता है कि मिस्टर MML जो हैं वो सामान्यतः तो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी संडे स्पेशल ड्रेस पहन रखी है। उन्होंने ग्रीन कलर का एक कोट पहन रखा है, फर वाली शर्ट पहन रखी है, ऊपर एक टोपी पहन रखी है, अच्छे नाइस शूज़ पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े सामान्यतः वो या तो डे ऑफ इंस्पेक्शन पे पहनते हैं, यानी कि जिस दिन विद्यालय का निरीक्षण होने वाला होता है, या तो उस दिन पहनते हैं या फिर उस दिन पहनते हैं जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है ना पुरस्कार वितरण समारोह जो होता है, वार्षिक उत्सव जो होता है, ठीक है, ऐसे मौके पर वो ऐसी ड्रेस पहनते। तो सोचता आज साहब ने, हमारे टीचर सर ने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे। फिर जब वो अपने आसपास के विद्यार्थियों को देखते हुए पीछे की तरफ देखता है क्लास में, तो उसे दिखता है कि भैया गांव के जो बूढ़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी आज क्लास में पीछे की तरफ आकर के बैठे हुए हैं। वो बूढ़े हौसर को देखता है, साथ ही साथ पुराने मेयर को देखता है, पुराने पोस्टमास्टर को देखता है, और भी गांव के कुछ लोग वहां आए हुए होते हैं। तभी मिस्टर MML जो है अपनी चेयर से खड़े होते हैं, खड़े होकर के कहते हैं कि आज मैं जो आपका लेक्चर लेने वाला हूँ, आज जो मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ, आज हमारी फ्रेंच भाषा की आखिरी कक्षा होने वाली है, यानी कि लास्ट लेक्चर होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज को लेके। अरे भाई ये क्या बात हुई, अरे भाई हम तो फ्रांस में रहते हैं, फ्रेंच हमारी मदर टंग है, हमारी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट लेक्चर है, ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, डर जाता है एकदम से जैसे वो इस बात को पचा ना पा रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज हमारी लास्ट क्लास है। तभी उसके वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि भाई कैसे मेरी किताबें जो मुझे बोझ लग रही थी अब मुझे कितनी प्यारी लगने लग गई, किस तरीके से हम लोग जो हैं हमारे टीचर को देखते हैं कि भाई टीचर जो है कितने खूंखार हैं, लेकिन जैसे ही अब लगता है कि यार उनसे अलग होने का एक समय आ जाएगा तब हम कितने डर जाते हैं, कितने घबरा जाते हैं। ऐसे ही विचारों की उथल पुथल जो है वो फ्रेंड्स के मन में चालू हो जाती है। तो जैसा कि मिस्टर MML ने कहा कि ये मेरा आज आखिरी पार्ट होने वाला है, आप सभी को आज का जो ये मेरा पार्ट है, आज का मेरा जो लेसन है, उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। बर्लिन जो कि मैंने पहले ही बताया था कि उस समय में जर्मनी की राजधानी थी, वहां से आदेश आ चुके हैं कि एल्सेस और लॉरेन के अंदर कल से यानी अगले दिन से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और उसके जो शिक्षक हैं वो अगले दिन आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर के फ्रेंच जो है वो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है, बहुत कुछ सोचने लगता है अपनी किताबों के बारे में, कैसे मुझे अब तक टीचर जो है क्रैंकी लगते थे, बहुत सनकी लगते थे, बहुत ही गुस्सैल लगते थे, हमेशा डर लगता था, हमेशा आयरन रूलर रखते हैं हाथ में, एक लोहे की छड़ी रखते हैं जिससे हमेशा डराते रहते हैं, और अब अचानक से सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगने लगी।
और पीछे जो लोग बैठे थे फ्रेंड्स, अब समझ जाता है कि जो हमारे शिक्षक ने हमारे प्रति जो भी 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा की है, हम सबको फ्रेंच भाषा पढ़ा करके उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग यहां पर आकर बैठे हुए हैं। इस बात को भी वह समझता है, तभी फ्रेंड्स का नाम पुकारा जाता है और फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि फ्रेंड्स जो है वह अपने मन में पहले ही इन सारी चीज़ों को इतना सोच चुका है, तो वह सोचता है कि अब आज कुछ भी हो जाए, मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पार्टिसिपल्स को सुनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, पहले ही शब्द पे अटक जाता है और शर्मिंदा हुआ बिल्कुल नीचे देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसी समय मिस्टर एम हेमिल जो कहते हैं कि नन्हे फ्रेंड्स, तुम चिंता मत करो, तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुम पहले ही काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर चुके हो, पहले ही बहुत बुरा तुम्हें लग रहा है, मैं देख सकता हूँ, तो घबराओ मत, तुम्हारी स्थिति सबसे बुरी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो माता पिता हैं उन्हें जहाँ आपकी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, वो चाहते हैं कि आप खेतों में काम करने चले जाएँ या किसी मील में काम करने चले जाएँ और कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सकें। या कई बार मेरी गलती नहीं थी कि मैंने, अगर मुझे कई बार फिशिंग करने जाना है, मछली पकड़ने जाना है, तो मैंने आपकी छुट्टी कर दी। कई बार ऐसा होता था कि आप लोगों को पढ़ाने के बजाय मैं आपको अपने बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए भेज देता था। तो तुम सबसे बुरे नहीं हो, हम सभी ऐसे हैं, हम सभी अपनी भाषा के प्रति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं, हम सभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाए और आज हम इस दिन पर पहुंच गए हैं जब फ्रेंच भाषा से संबंधित हमारी अंतिम कक्षा होने वाली है। इसके बाद मिस्टर एम हेमिल फ्रांसीसी भाषा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, यानी कि फ्रांसीसी भाषा जो है, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट, सबसे व्याकरणपूर्ण भाषा है और ये भाषा जो है इस पर तुम्हें अपनी पकड़ जो है वो बनाए रखना है। क्योंकि जब तुम किसी और भाषा की कैद में फंस जाओगे, भाई कल से तो जर्मन टीचर आ जाएंगे, वो तुम्हें जर्मनी भाषा जो है वो पढ़ाने लग जाएंगे, जब वो पढ़ाएंगे और तुम कहोगे कि नहीं नहीं हम लोग तो फ्रांसीसी हैं, हमारी तो फ्रेंच भाषा है, आप हमें जर्मनी क्यों पढ़ा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग हमें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो आपसे कहेंगे कि भैया कैसे फ्रांसीसी हो तुम, तुम्हें फ्रेंच भाषा ना तो ठीक से लिखना आता है ना ठीक से बोलना आता है, इसलिए जब तुम किसी और की कैद में चले जाओगे तो तुम्हारी भाषा ही तुम्हें उस कैद से निकालने वाली चाबी सिद्ध होगी, इसलिए तुम्हें अपनी भाषा पर पूरी पकड़ बनाए रखना चाहिए और अपनी भाषा को पूर्ण सम्मान देते हुए उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहकर के वे व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आज फ्रेंड्स जो है वो विचार कर रहा है, बोले कि आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सर जो भी बता रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है हर बात, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि आज तक शायद उन्होंने कभी इतना प्यार से समझाया नहीं, और या ऐसा तो नहीं है कि कभी मैंने ही उनके पढ़ाने पर ध्यान ना दिया हो, तो दोनों तरफ से ये बातें हो सकती है कि शायद आज तक उन्होंने इतना प्यार से कभी समझाया नहीं और मैंने भी कभी हो सकता है इतना ध्यान से पढ़ा नहीं, तो इसलिए वह उस दिन उस पाठ को पढ़ता है। उसके बाद में व्याकरण के बाद में हमें एक एक कॉपी दी गई, उस कॉपी के अंदर बिल्कुल वक्राकार तरीके से जैसे कि लहराते हुए झंडे हों उस तरीके से एल्सिस फ्रांस, एल्सिस फ्रांस यानी कि एल्सिस उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम और फ्रांस उनके देश का नाम लिखा गया था, उन्हीं को हमें फिर से लिखना था। तो सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, गांव में जितने लोग आए थे वो सभी उसे ड्रॉ करने में लग गए और केवल पेन के कॉपी पर रगड़ने की आवाज़ आने लगी। सभी लोग इतना ध्यान से काम कर रहे थे कि एक भंवरा जो है वो उड़कर के कमरे में आ जाता है, लेकिन कोई भी, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा भी जो था वह भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, और जब सर उठाकर वह चारों ओर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस विद्यालय में चारों ओर उसी तरह के झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं। और जैसे ही खिड़की से बाहर उसका ध्यान जाता है तो वहाँ वह देखता है कि कुछ कबूतर बैठे हैं, तो मन में ऐसा विचार करता है कि क्या ये जो जर्मन लोग आएंगे ये इन कबूतरों को भी
फ्रांस जर्मन भाषा के अंदर गुटरगू करने के लिए बोलेंगे कि आज से तुम्हें भैया तुम अब कबूतर हो वो ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई है तो तुम्हें अगर गुटरगू भी करना है तो तुम्हें जर्मन भाषा में करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है उसे बदलना इतना आसान नहीं है और उसे बदलना कहीं ना कहीं अनैतिक भी माना जाता है कि भाई उसकी नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि यह उसका मूल आचरण है, उसकी मातृभाषा है। तो इसलिए वह ऐसा विचार करता है कि क्या कबूतरों को भी गुटरगू उसी भाषा में करने के लिए कहेंगे क्या। और ये सब सोचते हुए मिस्टर MML की ओर देखता है, जो कि बिल्कुल एक निराश व्यक्ति की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और उस विद्यालय की हर एक चीज़ को टकटकी लगाए देख रहे होते हैं, जैसे कि वो हर एक चीज़ की याद, हर एक चीज़ की मेमोरी अपने अंदर बसा लेना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पर ऐसे पंखा लगा हुआ था, यहाँ ऐसे लाइट लगी हुई थी, बेंचेस ऐसे थी, मेरा जो पोडियम था वो किस जगह पर था, ब्लैक बोर्ड कैसा लगा हुआ था, किस जगह पर लगा हुआ था। हर चीज़ को वो अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कर रहे थे कि हर चीज़ को वो याद करें। उसी समय पर वो बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर उनके लगाए हुए जो बेलें हैं लंबी लंबी वो दिखाई देती है, वॉलनट ट्रीज यानी कि अखरोट के जो वृक्ष उन्होंने लगाए थे अपने बगीचे में वो भी उन्हें वहाँ पर दिखाई देते हैं। उसी समय हमें एक आवाज़ आती है कि मिस्टर MML जो हैं उनकी बहन वो उनकी संदूकों को, जो उनके बक्से हैं, जो भी सामान उन्होंने पैक किया, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर खींच करके ले जा रहे हैं। और उस आवाज़ से भी उनके मन में बहुत गहरा भाव आता है कि भाई अब मुझे ये जगह हमेशा के लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो लेखन के पार्ट के बाद हमारा इतिहास का एक पार्ट शुरू होता है जिसमें सभी बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी लोग जो हैं उस पार्ट को दोहरा रहे होते हैं, यानी कि बच्चों की बाबा, बूबू, बीबी की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही होती है। तो वह पीछे मुड़ करके ओल्ड हौसर को देखता है, यानी एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो हौसर हैं, उनके हाथ में एक पुरानी प्राइमर है, यानी कि पुरानी बारखड़ी वाली किताब जिसको हम बोलते हैं आ ई ऊ वाली जो किताब आती है हमारी भाषा की, वैसी ही फ्रांसीसी भाषा की जो प्राइमर बुक है वो उनके हाथ में है। दोनों अंगूठों से उन्होंने उसे पकड़ रखा है, उस पर चश्मा रखा हुआ है। वह उसे पढ़ते हुए बहुत रो रहे हैं और उनका रोना यहाँ पर फ्रेंड्स को इतना अजीब लग रहा है, इतना विचित्र लग रहा है कि उसे वो आवाज़, उनके रोने की आवाज़ सुनकर के उसे रोना भी आ रहा है और साथ ही साथ उसे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो कोई बैठे हैं और पीछे बैठ करके रो रहे हैं तो उन्हें देख करके हंसी आ रही है, लेकिन ये माहौल ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसी है जिसे देख करके फ्रेंड्स जो है वह उदास भी हो रहा है, उसका रोने का भी मन कर रहा है। उसी समय पर हम देखते हैं कि चर्च टावर जो है वहाँ पर 12 बजे की घंटी की आवाज़ आती है जो कि दोपहर की प्रार्थना का संकेत देती है। और उसी समय पर पर्शियन सोल्जर्स जो हैं, जो कि अपना युद्धाभ्यास करके वापस लौट रहे हैं, उनकी जो तुरहियाँ हैं यानी कि जो वाद्य यंत्र होता है उनकी आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। ये देख करके मिस्टर MML जो हैं वो खड़े होते हैं अपनी कुर्सी से बिल्कुल निराश से और कुछ कहने का प्रयास करते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गला, वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कष्ट या पीड़ा में हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और उनका गला एकदम से वहीं रुक जाता है। वो चौक उठाते हैं, चौक उठा करके अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ला विवा फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, और उसके बाद उसी दीवार की तरफ अपना सर झुका लेते हैं और एक इशारे से सभी को जाने के लिए कहते हैं, जिससे पता चलता है द क्लास इज डिसमिस, यानी कि क्लास जो है वो पूर्ण हो चुकी है, क्लास समाप्त हो चुकी है, और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह से हमारी इस कहानी का अंत होता है। तो हम यहाँ पर दो जो हमारे सबसे मेजर कैरेक्टर्स थे उनके अंतर मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स के नज़रिए से, यानी कि इस चैप्टर में हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब फ्रेंड्स के नज़रिए से देख रहे हैं। MML मन में कैसा सोच रहे होंगे ये भी फ्रेंड्स की ही कल्पना है, वही कल्पना कर रहा है कि यहाँ पर किसके मन में क्या चल रहा है, और ये सारे के सारे विचार जो हैं वो आपके जैसे एक विद्यार्थी के हैं, फ्रेंड्स के हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप फ्रेंड्स के नज़रिए से इस चैप्टर को देखते हैं और आप इस चैप्टर को अगर समझते हैं तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी मातृभाषा जो है वो भी बहुत प्रिय है, हमारे बहुत निकट है, हमारे बहुत करीब है, जिसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से इन्जॉय किया होगा।
एंड आगे के जो इसके पार्ट्स आएंगे उसके अंदर हम और डिटेल में इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बात होगी, वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी बात होगी, काफ़ी सारी चर्चाएं वहां पर होगी। के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।